नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे बकरी की नस्लें, और जिनमें हम काफी सारी बकरी की नस्लों के बारे में अध्ययन भी कर लिया था। तो आज क्लास स्टार्ट करेंगे जो बकरी की बची हुई नस्लें हैं उनसे। तो अपने पास है बकरी की पहली नस्ल जखराना। जखराना जिसकी उत्पत्ति अलवर क्षेत्र के भैरोड़ क्षेत्र में मानी जाती है। क्लियर। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो रामसर में अजमेर है, रामसर अजमेर, वहां पे जो बकरी अनुसंधान केंद्र है, उस बकरी अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक बकरी की नस्ल विकसित की गई थी। वह कौन सी है? सिरोही नस्ल की बकरी, और वो मुख्यतः सिरोही जिले में अधिकतर पाई जाती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन राजस्थान पशु परिषद की जो एग्जाम है आने वाली, उसमें पूछा जा सकता है। एक और नस्ल थी अपने पास कि राजस्थान की वह कौन सी नस्ल है जिसको पंजाबी नस्ल के नाम से जाना जाता है, तो वो थी आपकी बकरी की बीटल नस्ल। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। आज हम बात करते हैं जखराना बकरी की नस्ल है जखराना। जखराना अगर बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति स्थान है भैरोड़ क्षेत्र। भैरोड़ उत्पत्ति स्थान है भैरोड़ क्षेत्र। ध्यान रखना, जखराना नस्ल की बकरी जिसका उत्पत्ति स्थान है भैरोड़ क्षेत्र, और यह राजस्थान की मुख्यतः अलवर व जयपुर में पाई जाती, राजस्थान के जयपुर व अलवर में, राजस्थान के जयपुर व अलवर में पाई जाती है, राजस्थान के जयपुर व अलवर में पाई जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं जखराना नस्ल की बकरी में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। क्लियर। अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भैरोड़ क्षेत्र, और इसका जो वितरण क्षेत्र राजस्थान में वो कहां का है? अलवर और जयपुर में अधिक देखने को मिलती है। बात करें विशेषताओं की, तो जखराना नस्ल की जो बकरी है उनके कान पर काले व सफेद धब्बे पाए जाते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता है। ध्यान रखना, इनके कानों पर, इनके कानों पर सफेद व काले धब्बे पाए जाते हैं, इनके कानों पर सफेद व काले धब्बे पाए जाते हैं। जखराना नस्ल की जो बकरी है उसके कानों पर काले व सफेद रंग के धब्बे होते हैं, और यही इसकी मुख्य पहचान है। एक और बात, जखराना नस्ल की जो बकरी है वो बीटल नस्ल की बकरी से मिलते जुलते ही है। नोट, जखराना नस्ल बीटल नस्ल से, जखराना नस्ल बीटल नस्ल से मिलती जुलती है, मिलती जुलती है, यानी इसका भी रंग काला ही होता है। आगे बात करें, ये जो जखराना नस्ल की बकरी है इसकी खाल का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। ध्यान रखना, इस नस्ल की खाल का उपयोग चमड़ा उद्योग में, इस नस्ल की खाल का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। कौन सी नस्ल का? जखराना नस्ल की बकरी की जो खाल होती है उसका उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है।
और ये जो जकरा नस्ल की जो बकरी है ये मांस तथा दुग्ध उत्पादन यानी कि दोनों कार्यों की नस्ल मानी जाती है, ध्यान रख लेना। ये दुग्ध तथा मांस उत्पादन यानी दोनों में अग्रणी है। क्लियर। अब आगे बात करें, जकरा नस्ल की जो बकरी है वो दुग्ध की मात्रा यानी कि प्रतिदिन प्रत्येक दिन कितना दुग्ध देती है, तो ये नस्ल 3 से 4 लीटर दुग्ध उत्पादित करती है प्रत्येक दिन में। दुग्ध 3 से 4 लीटर प्रतिदिन, 3 से 4 लीटर प्रतिदिन जखरा नस्ल की बकरी प्रतिदिन 3 से 4 लीटर दुग्ध उत्पादित करती है। क्लियर। तो ये बात थी अपनी जखराना नस्ल जो बकरी की एक प्रमुख नस्ल है। जखराना उत्पत्ति स्थान भैरोड क्षेत्र और राजस्थान के जयपुर व अलवर में पाई जाती है। प्रमुख विशेषताएं, इनके कानों पर सफेद व काले धब्बे पाए जाते हैं। नोट, जखराना नस्ल बीटल नस्ल से मिलती जुलती ही है। इस नस्ल की खाल का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। ये दुग्ध तथा मांस दोनों ही उत्पादित करने में अग्रणी स्थान रखती है और जखरा नस्ल की बकरी 3 से 4 लीटर दुग्ध प्रतिदिन देती है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे पर्वत सरी बकरी की। एक और नस्ल अपने पास है पर्वत सरी। पर्वत सरी नसल, पर्वत सरी क्या है? पर्वत सरी एक बकरी की ही नसल है। अगर बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, तो पर्वत सरी नामक बकरी की नसल है अपने नागौर का जो पर्वत सर नामक स्थान है वहां पे इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना गया है। क्लियर। अगर बात करें वितरण क्षेत्र की, तो पर्वत सरी नामक नसल की बकरी अपने नागौर व अजमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो बात करते हैं उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी है उसका उत्पत्ति स्थान है पर्वतसर और पर्वतसर कहां पड़ता है? नागौर। उत्पत्ति स्थान है इसका पर्वतसर नागौर। और बात करें वितरण क्षेत्र की, वितरण क्षेत्र वितरण क्षेत्र ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाए पर्वतसरी नस्ल की बकरी का वितरण क्षेत्र कौन कौन सी जिलों में है, तो ध्यान रखना नागौर व अजमेर, नागौर व अजमेर में इस नस्ल का वितरण क्षेत्र पाया जाता है। यानी बात करें नागौर व अजमेर में ये नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्रमुख विशेषताओं की, प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं अच्छे से मन लगा कि क्लास को देखना। एक भी क्वेश्चन अगर बकरी की नस्ल से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन है आउट नहीं जाने वाला है, सारा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास लगवाई जा रही है। तो बात करते हैं जो पर्वतसरी नस्ल की बकरी है उसकी विशेषताओं की, तो रंग इसका जो है वो भूरा होता है और शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अगर पूछे कि पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी है उसका रंग कैसा होता है, तो रंग कैसा होता है? रंग होता है भूरा एवं भूरे रंग के शरीर पे धब्बे पाए जाते हैं, रंग भूरा होता है
तथा शरीर बारे भूरे धब्बे, शरीर बारे भूरे धब्बे पाए जाते हैं, शरीर बारे भूरे धब्बे पाए जाते हैं। रंग कैसा होता है? भूरा होता है। अभी बात करी थी जखरा नस्ल की, तो जखरा नस्ल की जो बकरी थी उसका रंग कैसा था? काला। एवं शरीर पर कैसे धब्बे पाए जाते थे? सफेद व काले धब्बे कानों में पाए जाते थे। यही उसकी जखराना नस्ल की बकरी की पहचान थी। और इस नस्ल की परवस्त्री की रंग भूरा होता है तथा शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करें, कान लंबे व लटके हुए होते हैं। कौन सी नस्ल के? परवस्त्री नस्ल के। कान लंबे व लटके हुए होते हैं। किनके? जखराना नस्ल की बकरियों के कान लंबे व लटके हुए होते हैं। ध्यान रखना, ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। अगर बात करें दुग्ध उत्पादन की, तो ये जो परवस्त्री नस्ल की बकरी है, ये एक दिन में 1 से 1.5 लीटर दुग्ध उत्पादित करती है। कितना? 1 लीटर से 1 लीटर, यानी कि 1 से 1.5 दुग्ध, 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर प्रतिदिन, 1.5 लीटर प्रतिदिन, यानी मिनिमम 1 लीटर और अधिकतम 1.5 लीटर दुग्ध उत्पादित करती है एक दिन के अंतर्गत। और बात करें इसके भार की, वजन, भार, तो नर में लगभग 50 किलोग्राम और मादा में लगभग 40 किलोग्राम भार पाया जाता है। क्लियर। तो ये हो गया अपनी परवस्त्री नस्ल। पूछे उत्पत्ति स्थान, तो बताना है परवस्त्र नागौर। वितरण क्षेत्र पूछे तो नागौर व अजमेर। प्रमुख विशेषताएं, रंग भूरा होता है तथा शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। क्लियर। कान लंबे व लटके हुए होते हैं। दुग्ध 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर प्रतिदिन उत्पादित करती है। भार नर में 50 किलोग्राम और मादा में 40 किलोग्राम भार पाया जाता है। क्लियर। ये हो गई परवस्त्री नस्ल की बात। अब आगे बात करते हैं देवगढ़ी। देवगढ़ी क्या है? देवगढ़ी एक बकरी की मुख्य नस्ल है। अगली नस्ल है देवगढ़ी। ध्यान रखना, देवगढ़ी एक बकरी की नस्ल है। देव घड़ी नसल, देवगढ़ी नसल। बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, उत्पत्ति स्थान, तो ध्यान रखना देवगढ़ी नसल की जो बकरी है उसका उत्पत्ति स्थान है उदयपुर। ठीक है, ध्यान रखना उत्पत्ति स्थान है इसका उदयपुर। और बात करें राजस्थान में वितरण क्षेत्र की, तो राजस्थान, ओ सॉरी कुंभलगढ़, राजसमंद, नागद्वारा, उदयपुर और भीलवाड़ा में इसका वितरण क्षेत्र पाया जाता है। ध्यान रखना वितरण क्षेत्र, तो वितरण क्षेत्र इसका राजसमंद, कुंभलगढ़, नागद्वारा, उदयपुर और भीलवाड़ा। वितरण क्षेत्र है राजसमंद और कुंभलगढ़, नागद्वारा, नागद्वारा, उदयपुर व भीलवाड़ा। इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, ये इनके
वितरण क्षेत्र है। क्वेश्चन आ रहा है देवगढ़ी नस्ल की बकरियों का वितरण क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है, तो ऑप्शन देके अपना आंसर टिक कर देना, राजसमंद, उमलगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर एवं भीलवाड़ा। ठीक है, बात करें इनकी मुख्य विशेषताओं की। देवगढ़ी नस्ल की जो बकरी है उनमें प्रमुख विशेषताएं, यानी इस नस्ल की पहचान क्या है, कैसे पता चले कि ये नस्ल देवगढ़ी नस्ल की बकरी है। अगर आपके सामने कोई बकरी खड़ी है तो आपको उसकी विशेषताओं का पता नहीं है तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये वही देवगढ़ी नस्ल है जो अभी अभी क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। तो उनको पहचानने के लिए उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। अगर रंग की बात करें, देवगढ़ी नस्ल की जो बकरी है उसके रंग की बात करें तो इसके रंग की पहचान है हल्का भूरा, हल्का भूरा। अभी जब बात कर रहे थे परबसरी नस्ल की बकरी की तो उसका रंग कैसा था, पेवर भूरा, यानी कि बिल्कुल भूरा। और जो देवगढ़ी नस्ल की बकरी है इसका रंग कैसा है, हल्का सा भूरा है। ठीक है, और आगे बात करें पूरे शरीर पर गहरे भूरे धब्बे पाए जाते हैं। परबसरी नस्ल की बकरी के तो हल्के भूरे थे, यहाँ पे पूरे शरीर पर गहरे भूरे धब्बे पाए जाते हैं, रंग हल्का भूरा व पूरे शरीर पर गहरे भूरे धब्बे, पूरे शरीर पर गहरे भूरे धब्बे पाए जाते हैं। क्लियर, ये हो गई इसकी मुख्य पहचान देवगढ़ी नस्ल की बकरी की, रंग कैसा, हल्का सा भूरा और शरीर पर गहरे भूरे धब्बे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और ये जो देवगढ़ी नस्ल की बकरी है इसकी एक और बात ध्यान रखना, इसको मजीठी बकरी भी कहते हैं, यानी इस नस्ल को मजीठी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, नोट। एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है बकरी की वह कौन सी नस्ल है जिसको मजीठी बकरी के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपकी देवगढ़ी नस्ल की बकरी। नोट, इसे मजीठी भी कहा जाता है। किसको, देवगढ़ी नस्ल की बकरी को मजीठी भी कहा जाता है। क्लियर, आगे बात करें इस नस्ल की बकरी के कान लंबे होते हैं और कानों पर भी भूरे धब्बे पाए जाते हैं। कान कैसे होते हैं, कान लंबे होते हैं, कान लंबे होते हैं तथा उन पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं, भूरे धब्बे पाए जाते हैं। देवगढ़ी नस्ल की बकरियों के कान लंबे होते हैं एवं उन पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। और बात करें सींग, तो सींग इनके क्या होते हैं, छोटे होते हैं और थोड़े मुड़े हुए भी होते हैं, ध्यान रखना। देवगढ़ी नस्ल के सींग छोटे होते हैं। अगर आपको पहचान करनी है तो आप इन सब चीजों से देवगढ़ी नस्ल की बकरी पहचान कर सकते हैं। पहला तो रंग हल्का भूरा है, पूरे शरीर पर गहरे भूरे धब्बे पाए जाते हैं। दूसरा, इसे मजीठी भी कहा जाता है। ठीक है, और विशेषताएं, कान कैसे लंबे तथा कानों पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। क्लियर, सींग इनके छोटे होते हैं वह थोड़े मुड़े हुए होते हैं, वह थोड़े मुड़े हुए होते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं देवगढ़ी नस्ल की बकरियों की। और बात करें भार की, अगर वजन की बात करें तो नर में लगभग 50 किलोग्राम और मादा में लगभग 30 किलोग्राम वजन पाया जाता है, ध्यान रखना। भार
नर में लगभग 50 किलोग्राम और मादा बकरी में ये वजन 23 किलोग्राम के आसपास पाया जाता है। अब तो कर लोगे पहचान देवगढ़ी नस्ल की। देवगढ़ी नस्ल उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका? उदयपुर में। वितरण क्षेत्र है राजसमंद, कोमलगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर और भीलवाड़ा में। प्रमुख विशेषताएं रंग भूरा हल्का भूरा, वह पूरे शरीर पर गहरे भूरे धब्बे पाए जाते हैं और इस नस्ल को मजिठी भी कहा जाता है। कान लंबे होते हैं तथा उन पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। जो देवगढ़ी नस्ल की बकरी है उनके सींग छोटे होते हैं, वह थोड़े मुड़े हुए होते हैं। भार में नर में लगभग 50 किलोग्राम और मादा में लगभग 30 किलोग्राम भार पाया जाता है। तो ये बात हो गई अपनी आज की क्लास में बकरियों की नस्लें, और आज बकरियों की नस्ल की क्लास समाप्त होती है। कल हम भेड़ी की नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप पहले से ही भेड़ की नस्लें देख के आना, बुक्स में पढ़ के आना, तो आपको क्लास देखते ही अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और एक विशेष सूचना, राजस्थान पशु परिषद की जो भी तैयारी कर रहा है, अगर वो रेगुलर अपनी क्लास देखता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसके 50 जो 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अगर 45 में 45 सही नहीं हो तो बता देना। तो अतः आप अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहे, वीडियो का, क्लास का लिंक, क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें आपका सपोर्ट मिले, जिससे हमें और ऐसी ही क्लास लेकर आने के लिए हमें खुद को मोटिवेट मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास में बने रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ में, नई क्लास के साथ में, भेड़ की नस्लें।